मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को मुंबई में मध्य प्रदेश के नए मध्य लोक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, मुख्य सचिव एसआर मोहंती, रेरा के अध्यक्ष एंटोनी डीसा सहित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि मुंबई में मध्य प्रदेश भवन बनने के बाद प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा सुविधा के लिए आने वाले लोगों को लाभ होगा, साथ ही शासकीय कार्य से आने वालों को भी आवास सुविधा उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश हित में भवन के अधिक से अधिक उपयोग किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे, युवा पीढ़ी से ही प्रदेश और देश का भविष्य सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनकर उभरे और महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश में अपने भवन का निर्माण करने के लिए प्रेरित हो। ऐसा संदेश जाए, इसमें आम लोग जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो मध्य प्रदेश से टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनका भी इस भवन का सही उपयोग हो। आज हर प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक भवन बना लेने से तो एक कदम हम बढ़ते हैं, पर एक कदम के से क्या पर्याप्त है? बड़ी चुनौतियां हैं हमारे नई पीढ़ी की, हमारे नौजवानों की। अगर इस पीढ़ी का, ये युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं रहा, तो मैं तो मानता हूँ किसी प्रदेश का और देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं हो सकता।